कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त पर सवाल उठाए और कहा था कि मुहूर्त ठीक नहीं है, तो वहीं उनकी ही पार्टी के विधायक राम मंदिर का भव्य निर्माण हो इसके लिए सुंदरकांड करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में राम मंदिर भूमि पूजन के एक दिन पहले यानी आज कांग्रेस विधायक नीले डाग के निवास पर राम नाम की धूम है और भगवान राम का दरबार सजा है। विधायक नीले डागा ने राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम अच्छे से हो और राम मंदिर भव्य बने इसके लिए सुंदरकांड कराया। भगवा रंग में डूबे विधायक भजनों पर झूमते नजर भी आए। हमारे संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज क्या विशेष अवसर है जो सुंदरकांड कराया? जो हमारे पूज्य राम भगवान है उनके जो राम भगवान का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है उसकी खुशहाली में और जल्दी वो राम मंदिर बन के तैयार हो इसके लिए ये आज सुंदरकांड और हनुमान चालीसा प्रोग्राम रखा है और जिले की खुशहाली के लिए और किसानों को अच्छी फसल इस साल हो और जो बारिश कम हुई है वो बारिश ज़्यादा हो इसके लिए हम लोगों ने ये आज प्रोग्राम रखा है। क्या चाहते हैं आप राम मंदिर कैसा बनना चाहिए? बहुत भव्य बने और पूरे विश्व में उसकी सुंदरता की चर्चा हो और भव्यता की चर्चा हो ऐसा मंदिर हम देखना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि मुहूर्त ठीक नहीं है, राजनीति कर रही है भाजपा। ये स्वरूपानंद जी ने भी कहा है मुहूर्त ठीक नहीं है और हमारे वरिष्ठ नेता है, अब उसको रोका तो जा नहीं सकता है, तो जैसा हो रहा है हो जाए, बस मंदिर भव्य बन जाए, भले मुहूर्त कैसे भी हो भगवान का काम है अच्छा होएगा।